सिपाही का जीवन है। रोज अमृत वेले उठ के इशनान करके बाणी कर पढ़ जप करता है, सिमरन करता है, ध्यान विच बैंदा है। कहिंदे कि जदों गदर खत्म होया सी उस वेले अंग्रेज ने एक चाल चली, उन्हें कहा भी जितना भी अठां पैरां विच दिल्ली लुट सकदे हो ते लुट लवो। कहिंदे ने उत्थे हिंदू की, सिख की, मुसलमान की, सारिया ने लुटिया, ते लुटिया की उत्थे धियां पैणां दी पत लुटी गई। गुरु के सिखो बाबे नानक घर दे सचियारां दी कमाई देखो, पत लुटी गई, धन लुटिया गया, घर लुटे गए। वह सिपाही अमृत वेले उन्हें बाणी पढ़ी, सिमरन किया, बंदूक रख के अपनी मोढ़े ते दिल्ली दियां गलियां विच निकलिया, ते लोग लुटदे पए सन, सिपाही लुटदे पए सन। मन विच आवाज आई, तू गुरु नानक साहब दा सिख है, एक खिन बाजार विच खलो गया ते एक खिन विच ही अरदास कर ले। भावे मैं अरदास दी व्याख्या आपां करी जा रहे हैं, पर जदों अंदर टिकिया होवे ना, इहनूं इह ना समझो भी पंथक दी मर्यादा नूं खत्म कर ली, नहीं, किते मुसीबत बने अंदर टेक के इन्हें कह दिए कलगी वालिया करी मेरा, ते ए एक शब्द भी अरदास बन सकता है। अंदर टिकिया होवे सही, इको दम सिपाही रुक गया, ध्यान जोड़ के कहिंदा गुरु नानक साहब बड़ी कृपा कीती आ, इस हनेरी विचो मेरे आचरण नूं बचा दे, इस झखड़ विचो मेरे जीवन नूं बचाई। इनी गल कह के सिपाही अगे तुरिया, एक हवेली विचो उच्ची सारी रोण की आवाज आई, सचियार कौने गुरमुख। आवाज सुन के सिपाही बंदूक लैके दरवाजे वल गया, से की देखदा, एक नौजवान बच्ची दे बस्तरां नूं हथ पाए ने सिपाही ने, इस सिख सिपाही ने उहदे कन्न कोल जाके बंदूक दी नाली रख दित्ती ते नाल क्या खबरदार। उहने देखिया भी मेरे वर्गा सिपाही, कहिंदा मैनूं वड्डे साहिब ने इहनां दी पतली भेजिआ, खबरदार जे इस बच्ची दे बस्तरां नूं तूं हथ लाया ते। कहिंदे ने पता नहीं उहदी जवान विच जिवें इको दम कलगी वाला बोलिया, उह छड्ड के सिपाही भज गिआ। ते उस बच्ची ने इन्नी देर नूं परिवार दीआं होर इस्त्रियां आईआं ते हथ जोड़ के कहन लगियां, तेनू तेरे गुरु नानक दा वास्ता, जाई ना तेरे करके साडी पत बच सकदी। सचियार कौने गुरमुख, इको दम ओ फौजी ओ सिपाही उत्थे खलो गया। जदों खलोता है ते सारा दिन खलोता रहा, उन्हां ने एक गल कही, असीं सजदां दा परिवार हाँ, हजरत मुहम्मद साहब दी अंत बंश हाँ, ते तू गुरु नानक दा सिख लगना है, तेनू गुरु नानक दा वास्ता ही कि सिख होवे ते पत महफूज रहिंदी है। ते उहने इको गल कही, तुसीं अंदर बैठो, मेरे तन नूं मारन तों बाद तां कोई अंदर आवेगा, मेरे तन दे खुंदियां कोई तुहाडे वल बुरी नजर नाल नहीं तकेगा। 24 घंटे ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠਰਮਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸੈਯਦ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਆਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੁਆ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਝੱਖੜ ਡੁਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਏ,
जिन्ना समान लुटिया सी ओ तुर पए, घरां नू गए, घर दे जी खुश सन, किसे दी बच्ची दी पत लुट के गए, कोई तन लुट के गया, पर करम सिंह इकले तुरे जांदे सन। मां नी को गल के पुत्र वगदी गंगा विच भी हाथ नहीं धोते, की लैके आया घर, ते कहिंदे सन मां गुरु नानक साहब दी सिक्खी दा विश्वास लैके आया, सिख दा विश्वास लैके आया, कदी कोई सिख निकलेगा ते लोकी विश्वास करनगे। मां ने कहा भावे माया वाली बिरती सी, घरों तुर जा, कह लगे चंगा परत के मथे नहीं लगांगा, मैं सच नूं कमा के आया। गुरमुखो एहो जे सचियारां दा ध्यान धरने आ जेड़े झखड़ां विच भी कदी काम विच ते लोभ विच डोले नहीं।